हेलो दोस्तों, जय श्री जैसे राम, राम राधे राधे राधे। राधे। तो आपका स्वागत है सीमा सचिन 10 YouTube चैनल यूट्यूब पे चैनल पर। तो आज का वीडियो बनाने का मतलब मकसद ये है कि होली आने वाली है, कल परसों होली है, तो आप सबको मैंने विश करना था मेरे YouTube की, मेरे Insta की, मेरे भारत के लोगों को हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात बता दूं कि जब पिछली होली थी, पिछली होली पे मैं यहाँ से दुकान पे था। जो पिछले साल 2023 8 मार्च को होली गई थी, हैं, तो उस दिन ही मैं नेपाल गया था सीमा से मिलने वहाँ जगह। और उस दिन दिन में मैंने होली भी खेली थी और मैं दुकान पर काम करता था, तो दुकान पे भी गया था। 12-1 बजे तक मैं दुकान पे गया था, बारह एक बजे तक मैं दुकान पे गया था। पर उसके बाद मैंने 2 घंटे होली खेली और सीमा के साथ वीडियो कॉल पे था, वीडियो कॉल भी चलती थी। और खूब जो भी होली खेली मैंने, सीमा को शेयर करी सारी भी होली, और ठीक है। हमारा 10 मार्च को मिलने का प्लान भी था, और 10 मार्च को मिलने का मेरी टिकट प्लान, बुक थी। हाँ 10 मार्च को मिलने का प्लान भी था। तो मैं यहाँ जगह से 2 घंटे होली खेली, तो मैं यहाँ से घर से 2 बजे करीब यहाँ से निकल गया, ठीक। तो वहाँ से फिर मैं परी चौक गया था। परी चौक जाना था मुझे दिल्ली, कि दिल्ली से बस मिलेगी डायरेक्ट गोरखपुर की। तो वहाँ पर परी चौक पर खड़ा था, तो परी चौक पर ही वो सरकारी एक बस होती हैं, तो वहीं पर बस मिल आ गई गई थी गोरखपुर की, मिल गई थी मुझे। तो मैं वहाँ से बैठा शाम को। शाम को बैठने के बाद मैं गोरखपुर पहुँचा सुबह। सुबह पहुँच कर फिर क्या नौ कहते को हैं, नौ हाँ मार्च को 9 मार्च को सुबह को मैं वहाँ पर पहुँचा। तो हम 10 मार्च को मिले वहाँ पर, दस ये मार्च 2 दिन लगे इनको नेपाल पहुंचने में, और मैं निकली दोपहर वहीं पे, हाँ दोपहर को वहीं 10 मार्च को ही। फिर शाम, मैं तो शाम को पहुंच गई थी 8 बजे, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी और तो भैया ये मैं वहाँ जगह ऑन द दस वे आ गई। मार्च 10 मार्च की सुबह को मैं नेपाल पहुँच गया था। और नेपाल और इसकी थी फ्लाइट रात की, 10 मार्च, और दस 8 बजे मार्च पहुंची थी मैं, दिन की फ्लाइट थी, दोपहर की, हाँ दोपहर की दोपहर की तेरी, फ्लाइट थी, हाँ और मैं रात को 8 बजे रात पहुंच को गई नौ थी। बजे पहुँची थी। 8 बजे, तो 9 बजे तुम तक पहुंची थी ना, 8 बजे पहुंच भाई गए थे वहाँ का मौसम भी बहुत वैसा होता है, थोड़ा ठंडी थी वहाँ जगह थोड़ी। नेपाल तो में। मैं वहाँ जगह एयरपोर्ट पे मैंने इसका इंतज़ार करा बलाई देर, यानी इसने बोला था मैं कि मैं नहीं सात बताओ, बजे आ तुमने मुझे जाऊंगा। पहचाना कैसे था हाँ कि तुम हो रही, हाँ 7 बजे आ जाऊंगा, आ आ जाओ जाऊंगी। पर ये आई वहाँ पर 9 बजे, क्योंकि हाँ, क्योंकि फ्लाइट अंदर के, चेकिंग हो रही थी। हाँ नहीं, फ्लाइट के, नेपाल बॉर्डर जो है ना, एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग हो रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ पैसे एक्सचेंज होंगे, कहाँ सिम खुलेगी, कहाँ सब होगा, तो इसलिए फर्स्ट टाइम था, तो अंदर चेकिंग में 1 घंटा लग गया पूरा। तो वहाँ जगह ये 9 बजे पहुँची। और जैसे जैसे मैंने इसके व्हाट्सएप एयरपोर्ट से पे कॉल निकली करी, हाँ नंबर तो वहाँ जगह चलते नहीं थे, तो व्हाट्सएप से मैंने कॉल करी इस पर। तो इसकी मेरे फ़ोन से इसके पे कॉल नहीं लग रही थी, तब ये शायद एयरपोर्ट के अंदर सिम खरीद रही थी नेपाल वाली। तो वो जैसे ही वहाँ जगह से डेटा इसका ऑन हुआ। डाटा ऑन हुआ सिम खरीदने के बाद, तो तुरंत इसने मेरे पास कॉल करी कि मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। अरे वाह, फिर मेरा क्या हाल क्या हो रहा खुशी था, थी क्या खुशी वो हो रही खुशी कोई थी। मैं भी नहीं बता सकती। जब नेपाल नेपाल एयरपोर्ट में मेरा जहाज उतरा था, और जब हम नेपाल एयरपोर्ट से वहीं से जैसे निकली मैं सारी चेकिंग होके, तब मेरी जो खुशी थी ना, वो मेरी खुशी ही अलग थी। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, फर्स्ट टाइम मैंने कभी अकेले सफ़र किया, और झूम रही थी मैं, मेरी खुशी की कोई लिमिटेड। और सचिन जी से मिलना था हाँ 3 साल की क्योंकि बाद। जब ये एयरपोर्ट से अंदर से निकल कर आई थी, तो मैं ऊपर ही खड़ा था, साइड फ्रंट साइड में ही घूम साइड रही में है, मैं, एयरपोर्ट निकल से हाँ घूम के ऊपर ही रास्ता जाता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे ही जैसे ये काठमांडू आती गई, एयरपोर्ट पे। तो मुझे बहुत दूर से दिखाई दे गई। मैंने क्या, तूने पहचान ली मुझे? जब बात कर रही थी तू मुझसे, मैं तुझसे हाँ, बात कर रहा था, और मैं तो ठीक ही है। ढूंढ रही, तू मुझे इसके, दिख नहीं हाँ रहे कहीं भी, इन्हों के कान पे फोन रख रहा था, तो क्या कहते हैं, तू मैंने बस देख सम रहे थे, मैं हाँ इधर देख रही कहाँ है मैंने देख कहाँ लिया है। कि हाँ वो ही है मेरी जाने मन, आ गई। वाह, देखते कह नहीं, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। पता है जब हमारी वीडियो कॉल पर बात होती थी, तो हम ये सोचते थे कि तू लंबी होगी या मैं मैं लंबा छोटा, होऊंगा, हाँ मैं अलग ही छोटा होऊंगा या सोच थी कि तू तुम कैसे छोटी हो होगी, लाइफ मैं में, लंबा कैसे होऊंगा, दिखती होगी, ठीक है। तो जब वहाँ जगह रियल में देखे ना, तो तब सच अच्छा। बताऊँ मैं भी थोड़ा 1-2 बिलान सीमा से थोड़ा लंबा हूँ, ऐसी बात नहीं है, 1-2 बिलान थोड़ा लंबा लंबे हूँ। हैं, और जब ये ढोरे ढोरे जैसे जैसे आती गई उन्होंने आके भाई, पहले ही मेरा बैग मुझसे लिया। हाँ जैसे जैसे आती गई ऐसे ही इतनी ही ज़्यादा खुशी मिलती हुई चली गई। सच बताऊँ जब एक दूसरे का हाथ जब पकड़ा था ना,
तो सच बताऊं आज भी लग रहा, इतनी हंसी आ रही थी, बहुत अजीब लग रहा था। आज भी जब शुरू शुरू में मैंने इसका मुंह दिखा था, वो चेहरा मुझे आज भी याद आता है कि कैसे मिले थे, कैसे मिले थे, हाँ कैसे मिले थे, कैसे मिले थे, और क्या क्या नज़ारे थे, क्या नज़ारे थे, क्या दिन थे वो हमारे नेपाल के। इतना एंजॉय किया ना हमने, लाइफ जी ली हमने 8 दिनों में। हाँ, फिर वहाँ से मैंने डायरेक्ट स्पेशल बैग पकड़ा, तो ये मुझसे शर्मा रही थी, शर्मा रही थी भाई, जब हमारी वीडियो कॉल पे सब बात होती थी तो मैं क्यों शर्माऊं। तो मैंने हंसी आ रही, खुशी अलग हो रही, अजीब सा लग रहा कि सचिन मेरे साथ है। आई कांट बिलीव दिस कि ये मेरे पास बैठे हैं, जो वीडियो कॉल भी थे, कभी इच्छा थी क्या मीना जी हम कभी मिलेंगे, वो चीज मुझे सच हो रही थी, तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ हम साथ में है। तो पॉइंट की बात ये है कि अगली होली पे, अगली नहीं पिछली होली पे जो बीत गई, उस पे भी हमें बहुत बड़ी खुशी मिली थी कि हम मिले थे होली के दिन, ये निकले थे वहाँ से, और अब भी होली आ गई। उससे पहले भी हमने होली वीडियो कॉल मनाई थी, और अब तो मैं खुद मना रही हूँ। तो कभी कहीं कहीं मुझे अपनी किस्मत पे हैरत होती है कि भगवान जी ने मेरी कितनी अच्छी किस्मत बनाई है, जो चाहा वो पाया। और मोहब्बत पाने की जो खुशी होती है वो खुशी ही अलग है, जो प्यार पाने की खुशी होती है ना, वो खुशी ही अलग है। तो मैं सबको होली विश करना था, सबको 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 हैप्पी होली, और आप भी जाइए खुशी से होली मनाइएगा, हम भी मनाएंगे। जब नेपाल में हमने गाड़ी करी थी कि हम दोनों जाएंगे, पर मैं तो सोच रहे थे कि बाइक से जाएं, पर बाइक से पर बैग वैग थे, दो बैग थे, तो जाना पॉसिबल था, तो हमने सोचा गाड़ी कर लेते हैं। तुरंत ही हमने एक गाड़ी करी, गाड़ी करके तो गाड़ी में जैसे ही हम बैठे ना, तो सीमा शर्मा रही थी बहुत बुरी तरह, सच में ही, ना तो बोल रही थी, बस ये मेरे मुंह को देखकर हंस रही थी, मैं इसके मुंह को देखकर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? इस वजह से हंस रहे थे कि सीमा मेरे सामने है, और ये इस वजह से हंस रही थी कि सचिन मेरे सामने है और मेरे पास बैठा है। ले ले। बहुत खुशी हो रही थी सच में, तन मन धन से ऐसे लग रहा था। खुशी एक तो होती है, खुशी एक होती है, खुशी से भी ऊपर खुशी, ले ले, जो आंसू लेकर जाते हैं खुशी वाले, उस तरीका की खुशी हो रही थी हमें, सच बताऊं। और ये मुझसे शर्मा रही थी, तो पूरे रास्ते ही मुझको शर्माती गई। मतलब पहली बार तो क्या हुआ नेपाल में, नेपाल में जैसे हम उतर गए होटल पे, ठीक है, जो विनायक होटल था, हम वहाँ गए, तो जो विनायक होटल के अंकल जी है ना, तो वहाँ हम तो 9-10 बज गए थे हमको, क्योंकि नेपाल में 10 बजे के बाद होटल ही बंद हो जाते हैं खाने पीने के लिए। तो हम मुझे लग रही भूख, मैंने इनको कहा मुझे लग रही भूख, क्योंकि मैंने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था, बस जो मुझे जहाज़ में मिला था खाना, वो भी इतना अच्छा नहीं था, जहाज़ का खाना वैसे भी इतना टेस्टी नहीं होता। तो उस अंकल ने मुझे पालक दी, चावल दिए, मतलब खाना ही अजीब था, बट नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं। फिर पता मैंने क्या की, वहाँ मैंने काली चाय बनाई, कावा चाय, मैंने वहीं खुद अपने हाथों से चाय बनाई, उस उन जो विनायक होटल के अंकल थे उनको भी पिलाई, इनको भी पिलाई, और मैंने, हालांकि ये नहीं पी रहे थे, मैंने कहा मेरे हाथ की चाय पीनी है, तो तब हमने चाय पी के भी वो रात बिताई। तो वो खाना वहाँ का थोड़ा अलग ही होता है, उबला हुआ या पूरे पत्ते ही पत्ते होते हैं उनके। तो भैया हमें वहाँ के बज गए थे 10, विनायक होटल पहुँचते, तो जैसे ही, और 10 बजे फिर हम आधे एक घंटा बैठे भी तो हमें बज गए थे 11, ठीक। पर हमें वहाँ के रूल की पता नहीं थी कि होटल कै बजे तक खुलता है, और कै बजे तक यहाँ पर खाना मिलता है, और कै बजे बंद होता है, ठीक है। काठमांडू में, हाँ काठमांडू में, क्या नाम था होटल का नाम, विनायक होटल। तो भाई फिर हमने सोचा, हमें भी भूख लग रही थी जोर से, तो हम मांज गए, फिर मैंने और सीमा फिर नीचे उतर के गए, तो अंकल से पूछे कि अंकल भूख लग रही है, अब नीचे गए तो नीचे कोई नहीं था, सबने खाना ना खा के सेट हो गए थे, सब सो गए थे, दरवाजे को लॉक लग जाता था और सब सो गए थे, यानी कि होटल वाले जो मालिक थे, होटल वाले जो मालिक थे वो भी सो गए थे। तो हम पहले नीचे गए जहाँ पर खाना मिलता था, वहाँ पर कुछ नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान, लाइट बुझ रही थी। तो हम फिर वहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हमने अंकल जगाए, अंकल उठ तो गए, तो भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उन्होंने हमें खाना दिया। हाँ, तो हमने अंकल उठाए कि अंकल हमें तो भूख लग रही है, फिर उन्होंने हमें बताया कि यहाँ 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और नहीं बाहर निकलते, नहीं थोड़ा यहाँ का एरिया थोड़ा ऐसा है कि बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, क्योंकि फिर वहाँ जगह अंकल ने खाना दिया हमें, चावल दिए, तो वहाँ जगह होती है सब्जी,
सब्जी होती है 3-4 तरह की, वो मिक्स कर देते हैं, पालक आलू भिंडी उस तरीका की वो मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हमें भूख लगी, 2 प्लेटों में हमारे मेरे लिए और सीमा के लिए खाना लगा दिया। तो भैया मैंने तो थोड़ा जैसे एडजस्ट करके खा लिया था, अब सीमा बोली ये मुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा। नहीं, दिखने में अलग था ना, क्योंकि मैंने कोई इस टाइप का खाया नहीं था। इन्होंने तो खाने में चावल बहुत खाए थे, वहाँ पाकिस्तान में हम उबले हुए चावल नहीं खाते थे, वैसे तड़का लगा के खाते थे। इन्होंने फिर भी खा लिया, मुझे खाया नहीं जा रहा, फिर मैंने चाय बनाई। तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पर दूध भी खत्म हो गया था, दूध भी नहीं था, दूध की सारी की चाय बना के सब पी गए थे, पर हमारे लिए दूध भी नहीं था। तो वहाँ जगह फिर बोला अंकल ने कि दूध तो है नहीं, खाली चाय तो बनाता, खाली चाय बनाता हूँ। तो अंकल बनाने को जा रहे थे चाय, तो सीमा ने बोला अंकल आप परेशान ना हो, मैं बना लेती हूँ चाय। तो सीमा ने फिर काली चाय बनाई, काली चाय। अब मैं चाय तो पीता हूँ नहीं, तो जैसे कि फिर सीमा ने मुझे चाय दी, अंकल को चाय दी और आपने पी, तो हमने बैठ कर पी। तो मैंने बोला इनकी सीमा मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। तो इसने मुझको एक शब्द बोला कि पहली बार कुछ चीज़ मैं अपने हाथों से बना के दे रही हूँ, मिनकी पी लो। तो मैंने एक नहीं फिर दो दो कप चाय पिए। हाँ बट और... एक बात नेपाल के लिए मैं कहना चाहूँगी, नेपाल बहुत अच्छे लोग हैं, नेपाल के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी दोस्त सीता बनी थी वहाँ पे, जो होटल में रहती थी, खाना मेरा बनाती थी, तो उसके हाथ के आलू के पराठे वाव बहुत ही अच्छे थे। बहुत अच्छे हैं वहाँ के लोग भी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भारत के लोगों से तो बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोग, तो बहुत ही ज़्यादा हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते थे हम दोनों की। और सीता जो राहुल था, एक लड़की का नाम तो मैं भूल गई हूँ, वो लोग बहुत अच्छे थे। वो मेरे होटल के मालिक अंकल जी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ बैठना उठना, अगर मतलब तो हमारे पास आया करते थे रूम में, बैठा करते थे हमारे साथ, तो बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ के। नेपाल कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत प्यारे लोग हैं। तो हमें अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ का रूल वहाँ। तो राधे राधे, जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाय बाय, जय जय श्री राम, जय श्री राम।